भूवैज्ञानिकों को हाल ही में मिला समुद्र के अंदर आठवां महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है वो करीब पिछले 400 सालों से गायब था, जो आज वैज्ञानिकों के नजर में आया है। इस महाद्वीप को पहली बार किसने खोजा था और यह लगभग 400 वर्षों तक कैसे गायब रहा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम देखेंगे कि आखिर भूवैज्ञानिकों और उनके टीम को इस महाद्वीप के बारे में पता कैसे चला और इस महाद्वीप का नाम क्या रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सा वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। आज तक स्कूलों और कॉलेजों में हमें यही बताया गया है कि पूरी दुनिया में केवल 7 ही महाद्वीप मौजूद हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन भूवैज्ञानिक और उनके टीम ने मिलकर 8वें महाद्वीप को खोज निकाला है। उन्होंने प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में लगभग 3500 फीट गहरे समुद्र में इस महाद्वीप का पता लगाया है। यह एक विशाल महाद्वीप है जो मेडागास्कर द्वीप से लगभग 6 गुना बड़ा है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर मौजूद एक द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 5,86,884 वर्ग किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में अब 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप है। दुनिया के इस नए महाद्वीप को वैज्ञानिकों ने जिलेंडिया नाम दिया है, जिसका 94% हिस्सा पानी के भीतर समाया हुआ है। भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि करीब 550 मिलियन वर्ष पहले यह जिलेंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड जुरासिक काल में जब डायनासोर हुआ करता था तब था। गोंडवाना लैंड में अभी फिलहाल में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका मौजूद है। इस महाद्वीप का अस्तित्व पहली बार 1642 ईस्वी में सामने आया था, जब डच के बिजनेसमैन और नाविक एबल टेस्मैन ग्रेट महाद्वीप की खोज में निकले थे। जब वे न्यूजीलैंड के दक्षिणी आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ किया, तब जाके उनको इस महाद्वीप के बारे में पता चला। इतने लंबे समय के बाद आज वैज्ञानिकों को इस महाद्वीप के बारे में लगभग 400 सालों के बाद पता चला।